अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? ठीक है? नाउ किड्स, टुडे और बुक इज किंगडम मैथ। आज जो हमारी बुक है ये किंगडम मैथ की है फॉर प्रेप क्लास। ये प्रेप क्लास की बुक है। नाउ ऑन पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पर टुडे और लेसन इज लेसन नंबर 11 एंड द टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन अप टू 20। यानी 20 तक की सब्ट्रैक्शन को अब हमने क्या करना है, यानी 10 से ज़्यादा यानी बड़ी रकमों के साथ सब्ट्रैक्शन को सीखना। सो इन फर्स्ट सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे। सब्ट्रैक्शन का जो मतलब है वो है ले लेना, उठा लेना। द साइन ऑफ द सब्ट्रैक्शन इज माइनस। तो साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वो माइनस वाला यूज होता है। एंड रीड एज माइनस, और इसे हम जो है वो माइनस जो है वो माइनस इसको वर्ड हम इसके लिए जो साइन है इसके लिए यूज करते हैं माइनस, और हम इसे माइनस जो है वो कहकर पढ़ते हैं। सो किड्स नाउ इन फर्स्ट काउंट द सब्ट्रैक्शन एंड राइट। हमने क्या करना है, काउंट करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को, और फिर हमने क्या करना है, राइट करना है। पहले काउंट करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर राइट करना है। नाउ द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर जो है वो पहला वो उन्होंने डन करके हमें जो है वो बताया क्या है कि आपने करना कैसे है। नाउ इन फर्स्ट हाउ मेनी एप्पल्स? नाउ 1, 2, 3, 4, 5 5 apples. Now take away. Take away कितने किए? 1, 2. 2 जो है वो take away कर लिए. So is the equal to 1, 2, 3. 3 जो है वो हमारे पास बाकी बचा. So kids आज हम करते हैं activity जिससे जो है वो हमारा मजीद lesson number 11 subtraction up to 20 तक का जो है वो clear होगा. So चले हम activity की तरफ चलते हैं. So activity में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास जो है वो markers हैं. So markers मेरे पास कितने हैं? Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मेरे पास क्या है यहाँ पर मार्कर्स हैं। हाउ मेनी मार्कर्स? 7 मार्कर्स। सो हम इसे तरतीब से लगाएंगे ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नाउ हमने क्या किया, यहाँ पर कितने मार्कर्स रखे? हमने यहाँ पर रखे 7 मार्कर्स। हाउ मेनी मार्कर्स? 7 मार्कर्स। सो किड्स हमने क्या करना है, ये जो साइन है हमारे पास ये होता है माइनस के लिए यूज, यानी ऐसे साइन को माइनस कहते हैं। माइनस मतलब उठा लेना या ले लेना। सो हमने क्या करना है, हमने इनमें से माइनस करने हैं। कितने माइनस करने हैं? हमने यहाँ पर माइनस करने हैं 2, 1, 2 2 मार्कर्स हमने क्या करने हैं, माइनस करने हैं, यानी इनमें से उठा लेने हैं। सो किड्स जैसे यहाँ पर मेरे पास जो है वो कितने मार्कर्स हैं, 7 मार्कर्स है, और हमने क्या किया, हमने करना है क्या करना है, माइनस करना है। सो हमने माइनस कितने करने हैं, हमने माइनस करने हैं 2। यहाँ पर मैंने आपको आपने मार्कर देखे ना, 7 मार्कर हैं, और फिर हमने क्या किया, माइनस करना था इनमें से। सो हमने माइनस कितने करने हैं, हमने माइनस करने हैं 2। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का निशान रखेंगे या नीचे हम इसके 2 रखेंगे। सो इज इक्वल जो है वो आपको पता है कि इज इक्वल किसके लिए यूज होता है, इज इक्वल जो है वो आंसर के लिए यूज होता है कि यानी इज इक्वल करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो कितने हैं। ओके नाउ हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास कितने मार्कर्स थे, हमारे पास थे कितने मार्कर्स, 7 मार्कर्स। सो 7 मार्कर्स में से हमने कितने माइनस करने हैं, हमने करने हैं 2 माइनस। कितने मार्कर करने हैं, हमने माइनस 2 माइनस करने हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास मार्कर्स हैं, सो हम अगर इसमें से 2 मार्कर्स जो है वो उठा लें, ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारे पास मार्कर्स हैं हमने कितने माइनस करने हैं 2। सो यहाँ पर हमारे पास कितने मार्कर्स थे, 7। हम इसे जो है वो कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम अगर कटिंग करें, सो कटिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम थ्रेड को यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कटिंग कर दिया। कितने मार्कर्स को, 2 मार्कर्स को। तो जब मैंने 2 मार्कर्स काउंट कट इसमें से किए, सो मेरे पास जो है वो कितने मार्कर बच गए, यानी मेरे पास जो बाकी मार्कर बचे वो कितने बचे, सो 1, 2, 3, 4, 5 बाकी मेरे पास कितने बचे, 5 मार्कर्स। सो हम क्या करेंगे, इज इक्वल में इसका आंसर लिखेंगे ताकि मजीद जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इज इक्वल हमने क्या किया, यहाँ पर रखा, और हमारे पास कितने मार्कर बचे, 5 मार्कर बचे। इट्स मीन के 7 - 2 = 5। नाउ 1, 2, 3, 4, 5 हाउ मैनी मार्कर्स लेफ्ट, 5। कितने मार्कर्स जो है वो हमारे पास बाकी बचे, 5 मार्कर बचे। और यहाँ पर 7 - 2 यानी यहाँ पर हमने माइनस किया था 7 में से 2 को, सो इज इक्वल हमारे पास क्या बचा, 5। क्या बचा, 5, यानी 7 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास बचे 5।
नेक्स्ट मेरे पास एक और एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किड्स मेरे पास बॉटल्स हैं जिनसे हम मजीद जो है वो कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नाउ यहाँ पर मेरे पास 3 बॉटल्स हैं। हाउ मेनी बॉटल्स? 3 बॉटल्स। हाउ मेनी बॉटल्स? 3। सो देखिए मेरे पास क्या 3 बॉटल्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं। सो काउंट 1, 2, 3। तो 3 में से मैंने क्या करना है, मैंने माइनस करना है। और माइनस के लिए कैसा निशान यूज होता है, बिल्कुल ऐसा, यानी माइनस जो है वो सीधी लाइन को जो है वो लगा देना, वो माइनस कहलाता है। सो हमने क्या करना है, 3 बॉटल्स है मेरे पास में, 1, 2, 3। हाउ मेनी बॉटल्स? 3 बॉटल्स। सो हमने क्या करना है, हमने करना है माइनस। सो जब हम 3 में से कितनी माइनस करेंगे, हम करेंगे 1 माइनस। हमने कितनी माइनस करनी है, 1 माइनस करनी है। तो जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे, सो इज इक्वल मेरे पास आंसर क्या बचेगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 बॉटल्स थी, 1, 2, 3, 3 में से मैंने कितनी माइनस करनी है, 1 माइनस करनी है। सो जब इसमें से मैं 1 बॉटल को उठा लूँगी इन 2 में से, तो मेरे पास कितनी बॉटल्स रह जाएंगी, 2 बॉटल्स रह गई ना, 1, 2, 2 बॉटल्स रह गई। सो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा, यानी जब मैं आंसर लिखूंगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास कितनी बॉटल्स बची, 2 बॉटल्स बची। जैसे यहाँ पर मेरे पास कितने बीट्स है, 1, 2, 3। सो 3 में से मैंने क्या करना है, मैंने माइनस करना है। कितने मैंने माइनस करना है, 1 को। सो जब मैंने 1 को माइनस किया, सो इज इक्वल मेरे पास आंसर क्या आया, जब मैं 3 में से 1 को माइनस कर दूँ तो इज इक्वल मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2। नाउ 1, 2। सो 2 मेरे पास आंसर आया। सो चले हम नंबर्स में से देखते हैं, नंबर्स के साथ हम इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो है वो कितनी बॉटल्स थी, 3 बॉटल्स। हाउ मैनी? 3 बॉटल्स। सो 3 में से मैंने क्या किया, माइनस करना है। कितने, 1 बॉटल को माइनस किया। तो जब मैंने 1 बॉटल को माइनस किया, तो इज इक्वल में मेरे पास आंसर क्या आया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। जब मैं 3 में से माइनस करूंगी 1 को, सो इज इक्वल में मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सो किड्स हमने बॉटल से भी हमने क्या किया, हमने एक्टिविटी को किया, देन हमने नंबर से किया, हमने बीट से किया। सो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि माइनस किसे कहते हैं। सो किड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।